कश्मीर कप 2021 टूर्नामेंट का दूसरा मैच रावलाकोट ए जे और मीरपुर ए जे टीम के बीच खेला जाएगा टॉस जीता मीरपुर ए जे ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और रावलाकोट ए जे टीम को बैटिंग करने के लिए कहा है ओपनर बल्लेबाज जहूर मलिक स्ट्राइक इन पर जबकि नॉन स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज नदीम अहमद उनका सामना साथ देंगे गेंदबाजी अमीर कश्मीरी राइट अम और विकेट करते हुए अच्छी गेंद टपाने के बाद नीचे गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज गेंद और बैट का कोई तालमेल नहीं गई विकेट कीपर के हाथों में डाड़ गेन। डाड़ गेन से शुरुआत की है गेंदबाज अमीर कश्मीरी नेमिर कश्मीरी अच्छी गेंदबाजी करते गेंदबाज अमीर कश्मीरी अब तक के काफी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं तो देखना इस मैच में गेंद से शुरुआत की है आमिर की अगेन जहूर मलिक के लिए गेंद को खेल दिया गेंद आती हुई सीधी लॉन्ग ऑन की जानी कोई गलती नहीं की वहाँ पर फील्डर्स ने विकेट हासिल करते हुए अपने टीम के लिए नासिर मलिक थे वहाँ पर लॉन्ग ऑन फील्डर्स को ये गलती नहीं कि विकेट हासिल करते हुए अपनी पहली ओवर में आमिर कश्मीरी अपनी दूसरी गेंद पर आमिर कश्मीर ने बल्लेबाज यासिर आए हैं नए बल्लेबाज सामना करेंगे आमिर कश्मीर की इस ओर की तीसरी गेंद के और कर लेंद की गेंद थी गेंद जाती हुई फाइनल की जानी वहां पर विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते गेंद लेकिन 22 का इशारा पैरों पर लगकर फाइनल लेख की जानी थी एक्स्ट्रा के रूप में एक रन मिलेगा इस सिंगल की मदद से रावलाकोट टीम ने अपना खाता खोला एक रन एक विकेट के नुकसान पर आमिर अपने इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे सामना करेंगे नदीम अहमद स्ट्राइक एंड पर पहली मरतबा राइट right हम ओवर द विकेट आमिर कश्मीरी गेंदबाजी करें उनकी ये गेंद शॉर्ट गेंद उसे उठाकर खेल दिया गेंद जाती हुई बाउंड्री की जानी वहाँ पर देखना है अंपार का इशारा का वेट कर रहे हैं छः रनों का इशारा करते हुए अंपार गेंद जाती हुई फाइनल बाउंड्री लाइन से बाहर छः रनों के लिए तो पहली गेंद पर छः रन हासिल किए हैं नदीम अहमद ने शॉर्ट गेंद थी अमीर कश्मीरी की उसको उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने इस छह रनों की मदद से रावला कोट टीम का स्कोर सात रन एक विकेट के नुकसान पर आमिर अपने इस ओवर की पांचवी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे नदीम अहमद को उनकी गेंद फुल टॉस गेंद उसे उठा खेल दिया है गेंद जाती हुई मिड विकेट की जानी वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से सीधी बाहर जाएगी छह रनों के लिए बैक टू बैक दो गेंदों पर दो सिक्स दो गेंदों के ऊपर दो सिक्स लगा चुके हैं फुल टॉस गेंद थी उसका पूरा फायदा उठाया वहां पर बल्लेबाज नदीम अहमद ने टीम का स्कोर इस रनों की मदद से तेरह रन एक विकेट के नुकसान पर पहली तीन गेंदे अच्छी की थी गेंदबाज आमिर कश्मीरी ने लेकिन उसके बाद एक शॉर्ट गेंद की थी नदीम अहमद को और एक फुल टॉस उसके ऊपर दोनों दो गेंद गेंद के ऊपर दो सिक्स लगाए बल्लेबाज नदीम अहमद ने दो गेंदों पर बारह रन बनाकर बल्लेबाजी करें स्ट्राइक इन पर इस ओवर की लास्ट बॉल का सामना करेंगे अमीर कश्मीरी की नदीम की गेंद अच्छी गेंद गेंद जाती हुई स्क्वेर लेग की जानी पे वहाँ पर फील्डर काफ़ी दूर थे पहला रन काफ़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल किया था गेंद फील्डर जब तक के गेंद को फील्ड करके थ्रो करते दूसरा रन भी तेज़ी के साथ मुकम्मल करते हुए लेग बाइज़ का इशारा किया अम्पार ने दो रन मिलेंगे टीम राहुल कोकोट को एंड ऑफ वन ओवर्स टीम Raula court. AJK team score 15 loss of 1 wicket.

टीम की ओर से दूसरे और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर न्यू बॉलर्स नजाकत आए हैं अच्छे गेंदबाज है नजाकत तो देखना इस मैच में किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं अपने स्पेल का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर नजाकत आए हैं राइट हम और द विकेट गेंदबाजी करेंगे सामना करेंगे स्ट्राइक एंड पर यासिर अच्छी गेंद थी गेंद को खेलना चाहते थे बैट का आउटसाइड एज लेकर गेंद जाती हुई थर्ड विकेट कीपर के पीछे वहां पर मिसफील्ड हुई और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई जहां पर एक रन था वहां पर चार रन खर्च करते हुए टीम मीरपुर के फील्डर्स चार रन मिलेंगे पहली गेंद पर नजाकत के इस चार रनों की मदद टीम का स्कोर 19 रन एक विकेट के नुकसान पर नकद नजाकत अपने स्वर की दूसरी गेंद लेकर के शॉर्ट गेंद को उठाकर खेल दिया है गेंद जाती हुई सीधी मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर छः रनों के लिए दो गेंदों पर दस रन हासिल किए हैं बल्लेबाज यासिर ने पहली गेंद पर मिस फील्ड हुई थी उसके ऊपर चार रन मिले थे उसके बाद यासिर ने बढ़िया स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज यासिर ने गेंदबाज नजाकत के गेंदबाजी के ऊपर छः रन हासिल किए टीम का स्कोर रावलाकोट एजे के टीम 25 एक विकेट के नुकसान पर नजाकत देखना है किस तरीके से वापसी करते हैं अपने गेंदबाजी में राइट और द विकेट नजाकत अपने इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर उनकी ये गेंद गेंद को उठाकर खेल दिया इस बार गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर छः रनों के लिए बैक टू बैक दूसरे गेंद के ऊपर दूसरी बाउंड्री दूसरा सिक्स लगाया है बल्लेबाज यासिर ने अच्छी बल्लेबाजी यासर अपनी टीम के लिए करते हुए तीन गेंदों में सोलह रन बना चुके अब तक के नजाकत के इस ओवर में पहली गेंद पर बाउंड्री हासिल हुई थी उसके बाद दो गेंदों पर दो सिक्स लगा चुके हैं टीम का स्कोर इकतीस रन एक विकेट के नुकसान पर नजाकत अपने इस ओवर की चौथी गेंद लेकर राइट हम द विकेट गेंदबाजी करेंगे यासिर के लिए उनकी ये गेंद ऑफ साइड में वो गेंद को उठाकर खेल दिया गेंद जाती हुई सीधी कवर बाउंड्री लाइन से बाहर छ रनों के लिए तीन गेंदों पर तीन सिक्स लगा चुके हैं काफी महंगे साबित हो रहे हैं गेंदबाज नजाकत बाईस रन दे चुके हैं चार गेंदों में नज़ाकत टीम का स्कोर राउला कोट के टीम थर्टी सेवन एक विकेट के नुकसान पर जो पहली गेंद पर मिस फील्ड हुई थी थर्ड मैन फील्डर्स के हाथों से अगर यासिर नॉन स्ट्राइक एंड पर होते तो कुछ और रिजल्ट होता आ, कुछ और होता इस ओवर में लेकिन यासिर स्ट्राइक पर वापस आए थे पहली गेंद पर जहां पर मिस फील्ड हुई थी तो फिर उसके बाद तीन गेंदों पर तीन सिक्स लगा चुके हैं अब तक के बाईस रन दे चुके हैं नज़ाकत नजाकत अपने इस ओवर की पाँचवीं गेंद लेकर यासिर गे, इस बार सीधे गेंद को खेल दिया गेंद आती हुई लॉन्ग रन की जानब कोई गलती नहीं की वहाँ पर फील्डर्स नासिर मलिक थे दूसरी कैच पकड़ते हुए इस मैच में नासिर मलिक दूसरी विकेट गिरती हुई रावला कोट एजे के टीम की 37 सेवन लॉस ऑफ टू विकेट अच्छी बल्लेबाजी नासिर कर रहे थे तीन गेंदों पर तीन सिक्स लगा चुके थे चौथा सिक्स लगाना चाहते थे लेकिन बैट पर सही तरीके से गेंद उनके नहीं आई गेंद सीधी लॉन्ग ऑन फील्डर नासिर मलिक के हाथों में आती हुई कोई गलती नहीं की नासिर मलिक ने दूसरी विकेट गिरती हुई रावला कोट टीम की टीम का स्कोर थर्टी दो विकेटों के नुकसान पर तस्वर आए हैं नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर जबकि स्ट्राइक एंड पर नदीम सामना करेंगे नजाकत की इस ओवर की लास्ट बॉल की अच्छी गेंद टपा करने का नीचे रहती हुई गेंद को खेल दिया गेंद आती हुई लॉन्ग रन की जानी वहाँ पर नासिर मलिक थे गेंद को फील्ड कर थ्रो करते तब तक एक रन हासिल किया एंड ऑफ टू ओवर्स रावलाकोट ए जे के टीम स्कोर थर्टी एट दो विकटों के नुकसान पर टीम की ओर से तीसरी और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर नबील आए हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे सामना करेंगे उनका बल्लेबाज नदीम अहमद स्ट्राइक इन पर चार गेंदों में तेरह रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं जबकि नॉन स्ट्राइक इन पर तस्वुर अब तक की कोई गेंद फेस नहीं की है उनका साथ दे रहे हैं नबील की ये गेंद इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे गेंद बल्ले पर नहीं गेंद सीधी जाती हुई विकेट कीपर साजिद मुनीर के हाथों में कोई रन नहीं डॉट गेंद नबील गेंदबाजी कर रहे हैं अपने इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे नदीम को उनकी गेंद अच्छी गेंद टपाक आने के बाद नीचे रहती हुई गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में दूसरी गेंद डॉट की है इस ओवर में नबील ने अच्छी गेंदबाजी थोड़े से महंगे साबित हुए आज नजाकत दूसरी ओवर में काफी रन खर्च किए बस स्लोवर गेंद की थी उसे जल्दी पिक किया गेंद को खेल दिया गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक बल्लेबाज नदीम लगाते हुए इस सिक्स की मदद से टीम का स्कोर 44 लॉस ऑफ टू विकेट जिनको खेल दिया है बल्लेबाज नदीम अहमद ने गेंद जाती हुई फाइनल लेग बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए दो गेंदों पर दो सिक्स लगाए हैं बल्लेबाज नदीम ने पहली दो गेंदे नबील ने डॉट की थी उसके बाद दो गेंदों पर दो सिक्स लगा चुके हैं नदीम अहमद तो अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करते हुए और इस सिक्स की मदद से रावलाकोट एजी की टीम के स्कोर है पचास रन दो विकेटों के नुकसान पर कश्मीर कप 2021 सीजन वन टूर्नामेंट का यह दूसरा मैच खेला जा रहा है रावलाकोट ए टीम के और मीरपुर एजे अच्छी गेंद खाने का नीचे रहती हुई गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में बाल बाल बचे वहां पर बल्लेबाज नदीम अहमद गेंद विकेटों से थोड़ी सी पास से गुजरी विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई डॉट गेंद करते हुए अच्छी वापसी करते हुए दो गेंदों पर दो सिक्स लगाए थे बल्लेबाज नदीम अहमद ने उसके बाद डॉट गेंद करते हुए नबिल की इस ओवर की लास्ट गेंद क्लीन बोल्ड कर दिया वहाँ पर बल्लेबाज को नदीम अहमद बोल्ड आउट होकर पवेल लौट लौटते हुए एंड ऑफ थ्री ओवर्स रावलाकोट एजे टीम स्कोर फिफ्टी लॉस ऑफ थ्री विकेट does. and left hand अमीर कश्मीरी आए हैं अपने स्पेल का दूसरा और टीम की और से ओर से चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे पहली मरतबा तस्वर राजा पहले ओवर में बारह रन दिए थे अमीर कश्मीरी ने और एक विकेट हासिल किए थे फुल टॉस गेंद थी उसका फ़ायदा नहीं उठा सके बैट का इनसाइड एज लेकर गेंद गई थी थर्ड मैन की जानी वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए अंपायर का इशारा 22 का आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में एक रन मिलेगी रावलाकोट एजे के टीम को सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 51 वन लॉस ऑफ थ्री विकेट जावेद राजा अब स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे आमिर कश्मीरी की इस ओवर की दूसरी गेंद का राइट ओवर द विकेट आमिर कश्मीरी गेंदबाजी करें उनकी ये गेंद आर्कलैंड की गेंद पैरों पर लगकर गेंद जाते हुए स्क्वेयर लेग अंपायर की जानी वहां पर विकेट कीपर साजिद मुनीर गेंद को फील्ड कर थ्रो करते तब तक एक रन हासिल किया लेग बाइज का इशारा अंपायर करते हुए दूसरी गेंद पर भी एक्स्ट्रा दी है टीम का स्कोर 52 लॉस ऑफ थ्री विकेट अमीर कश्मीरी और रावलाकट रावलाकोट ए जे के टीम देखना है अपने छह ओवरों में कितने रनों का टारगेट सेट करती है मीरपुर एजे के टीम के सामने एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा रावलाकोट ए जे के टीम को मीरपुर एजे के टीम के सामने काफी कास्ट से भरी हुई है मीरपुर एजे के टीम अमीर कश्मीर की ये गेंद यार कर लैन की गेंद थी गेंद जाती हुई थर्ड मैन की जानब वहाँ पर फील्डर मौजूद है एक रन हासिल किया और अंपायर का लेग बाइज़ का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में एक रन मिलती हुई तो अब तक के तीन गेंदों में तीन लेग बाइज दे चुके हैं गेंदबाज अमीर कश्मीरी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे अपने गेंदबाजी के ऊपर रन बनाने के लिए इसी तरीके से गेंदबाजी करनी होगी अमीर कश्मीरी को अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ओवर में बारह रन दिए थे इस ओवर में एक्स्ट्रा के रूप में सिर्फ तीन रन दिए अब तक के आमिर कश्मीरी अब गेंदबाजी करेंगे जावेद राजा को राइट ओवर विकेट आमिर की अगेन जावेद राजा को उनकी अगेन फिर एक बार इस बार क्लीन बॉल कर दिया जावेद राजा आउट होकर पविन लौट रहे चौथे विकेट गिरती हुई रावलाकोट एजे की टीम की 53 लॉस ऑफ फोर विकेट ओवर में बारह रन दिए थे दूसरी ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे नजाकत उसके बाद नबील ने अच्छी गेंदबाजी की अब अमीर कश्मीरी अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए चार गेंदों में सिर्फ तीन रन दिए और एक विकेट हासिल किया है जावेद राजा को बोल्ड कर कर पवेलियन लौटा दिया दे। देखना है अब जावेद राजा की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज कौन आते हैं रावला कोट एजे के टीम की ओर से गेंद फाइन बाउंड्रीज़ लाइन से बाहर जाती हुई लेग बाइस का इशारा आता हुआ

लेग साइड से बाहर जाते हुए भी, भी वहां पर विकेट कीपर के हाथों से काफी तेजी के साथ सिंगल हासिल किया था और अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ दो रन मिलेंगे टीम रावला को इस दो रनों की मदद से टीम का स्कोर 59 लॉस ऑफ फोर विकेट आ। लास्ट बॉल दोबारा करेंगे गेंदबाज आमिर कश्मीरी सामना करेंगे उनका स्ट्राइक इन पर तस्वुरा राजा दो गेंदों में अब तक कोई रन नहीं बनाया तस्वुर ने फिर एक बार लेग साइड से बाहर जाते हुए अंपार का इशारा वाइड और मिस फील्ड भी वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए पांच रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलेंगे टीम रावला टीम को वाइड की है दो गेंदे आमिर की है गेंद इस बार अच्छी गेंद कलन की गेंद थी बैट का इन साइड लेकर गेंद आती हुई मेडॉन की जानी वहां पर गेंद को खुद गें फील्ड गेंदबाज आमिर कश्मीरी फील्ड कर थ्रो करते तब तक एक रन हासिल किया एंड ऑफ फोर ओवर्स रावला कोट एजे की टीम स्कोर सिक्सटी फाइव लॉस ऑफ फोर विकेट air score please विकेट हासिल करते हुए नबील अपने दूसरी ओवर की पहली गेंद पर गेंद जाती हुई सीधे विकेटकीपर के हाथों में साजिद मुनीर ने कोई गलती नहीं की पांचवी विकेट गिरती हुई रावलाकोट एजे की टीम की 65 लॉस ऑफ फाइव विकेट

न्यू बैट्समैन शाहिद आए हैं स्ट्राइक एंड पर सामना करें नबील की इस ओवर की दूसरी गेंद का स्लोअर गेंद कट के गेंद को टप्पा करने के बाद गेंद स्विंग होती हुई गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद टीम का रुका हुआ स्कोर सिक्सटी लॉस और फाइव विकेट नबील अपने इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे कर्नर शाहिद के लिए उनकी ये गेंद गेंद पैरों पर लगकर जाती हुई पॉइंट की जानी वहां पर विकेट कीपर साजिद गेंद को फील्ड करके थ्रो किया रनआउट का मौका खराब थ्रो लेकिन अच्छी वहां पर उस गेंद को रोकने में कामयाब एक रन मिलेगा कर्नल शाहिद को टीम का स्कोर इस एक रन की मदद से 66 लॉस ऑफ फाइव विकेट अच्छी गेंदबाजी नबील कर रहे अपने टीम के लिए अब सामना करेंगे नबील की इस ओवर की चौथी गेंद का अली हाशमी स्ट्राइक एंड पार गेंद को खेल दिया गेंद जाती हुई मिड विकेट की जानी वहां पर फील्डर मौजूद अच्छी फील्डिंग नजाकत करते हुए और उतनी ही अच्छी थ्रो विकेट कीपर एंड पर करते हुए एक ही रन मिलेगा टीम रावला कोर्ट को इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 67 लॉस ऑफ फाइव विकेट नबील अपने इस की पांचवी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे कर्नर शाहिद को उनकी गेंद सीधे बल्ले से खेला गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक बल्लेबाज शाहिद लगाते हुए इस सिक्स की मदद से टीम का स्कोर सेवेंटी थ्री लॉस ऑफ फाइव विकेट लास्ट बॉल नबील करेंगे स्लोवर गेंद बीट किया गेंद जाकर सीधे विकटों से टकराते हुए क्लीन बोल कर दिया वहां पर बल्लेबाज को टीम का स्कोर एंड ऑफ फाइव ओवर्स रावला कोर्ट के टीम स्कोर 73 लॉस ऑफ सिक्स विकेट batsman hurram right hand batsman hurram 73 5 over 73 okay thank you मुस्तफा सामना करेंगे उनका स्ट्राइक इन पर अली हशमी राइट एंड राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छी गेंटा पकाने के बाद नीचे देते हुए काफी तेजी के साथ विकेट कीपर के हाथों में जाते हुए डॉट गेंद से शुरुआत की है मुस्तफा मिनहास ने अच्छी गेंदबाजी में शुरुआत अपनी टीम के लिए करते हुए इनिंग की लास्ट ओवर कर रहे हैं मुस्तफा मिनाज दूसरी गेंद करेंगे अली हाशमी को इस बार सीधे बल्ले से खेला गेंद आती हुई लॉन्ग रन की जानी वहाँ पर फील्डर काफी दूर थे गेंद को रोक नहीं पाएंगे गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर वन बाउंस चार रनों के लिए इस बाउंड्री की मदद से रावलाकोट एजे के टीम का स्कोर सेवेंटी सेवन लॉस ऑफ सिक्स विकेट मुस्तफ़ा अपने इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे सामना करेंगे अली हाशमी स्ट्राइक एंड पर उल्टॉस गेंद उसे खेल दिया गेंद जाती है फाइनल की जानी वहाँ पर फील्डर मौजूद है पहला रन काफ़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल किया था अच्छी फील्डिंग उतना ही अच्छा थ्रो वहाँ पर फाइन फाइनल फील्डर से एक ही रन मिलेगा इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर सेवेंटी एट लॉस ऑफ सिक्स विकेट और तीन गेंदों में देखना है रावला कोट ए जे के टीम के बल्लेबाज खुर्रम और अली हाशमी कितने रन बनाते हैं अपने टीम के लिए और कितने रनों का टारगेट रखते हैं मीरपुर ए जे की टीम के सामने मुस्तफा की ये गेंद यहाँ का लेन की गेंद थी आगे बढ़कर गेंद को खेला है गेंद आती हुई कवर की जानी वहाँ पर थोड़े से लेट हुए फील्डर्स गेंद को फील्ड करके थ्रो करते लेकिन वहाँ पर रन आउट होते हुए बल्लेबाज खुर्रम दो रन लेना चाहते थे थोड़े से दूर रहे अच्छी थ्रो वहाँ पर नए बैट्समैन मोहम्मद सईद आए स्ट्राइक एंड पर रन आउट हुए थे बल्लेबाज अब उनकी जगह संभालेंगे मोहम्मद सईद स्ट्राइक एंड पर मुस्तफ़ा की इस और की खराब गेंद लेग साइड से काफी बाहर गेंद जाती हुई फाइनल की जानी इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर करते हुए थर्ड मैन के फील्डर्स अंपार का इशारा वाइट का आता हुआ और एक रन दौड़कर मुकम्मल किया टोटल दो रन मिलेंगे टीम का स्कोर इस दो रनों की मदद से अस्सी सात विकेटों के नुकसान पर एटी लॉस ऑफ सेवन मुस्तफा की गेंद गेंद को उठाकर खेल दिया गेंद जाते हुए का नर बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक बल्लेबाज अली हशमी लगाते हुए इस सिक्स की मदद से टीम का स्कोर 86 लॉस ऑफ सेवन विकेट लास्ट बॉल करेंगे इस इनिंग की गेंदबाज मुस्तफ़ा मिनहाज सामना करेंगे अली हाशमी अच्छी गेंद गेंद जाकर पैरों पर लगती हुई गेंद जाती हुई स्क्वायर लेके जानी वहाँ पर फील्ड करते हुए विकेट कीपर साजिद मुनीर का उफ, ओवर का खात्मा एंड ऑफ सिक्स ओवर और रावलाकोट ए के टीम स्कोर 87 88 रनों का टारगेट रखा है मीरपुर ए के टीम के सामने और 88 एट रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए ओपनर बल्लेबाज नबील जबकि स्ट्राइक एंड पर जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर साजिद मुनीर गेंदबाजी करेंगे कर्नल शाहिद राइट राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नबील के लिए उनकी गेंद ऑफ साइड से काफी बाहर थी अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में एक रन मिलेगी एक्स्ट्रा से शुरुआत हुई है गेंदबाजी में मीरपुर एजे की टीम शाहिद किए गेंद स्लोर गेंद फुल टॉस गेंद उसे उठाकर खेल दिया गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों से शुरुआत की अपने बल्लेबाजी में नबील ने बढ़िया स्ट्रोक लगाया गेंद को गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए छह रनों की मदद से मीरपुर एजे की टीम का स्कोर सात रन कोई विकेट नहीं फुल टॉस गेंद थी उसका फायदा उठाया बल्लेबाज नबील ने शाहिद अपने इसवर की दूसरी गेंद लेकर पहली गेंद वाइट की थी दूसरी गेंद पर जो कि पहले लीगल डिलीवरी की थी उसके स्लोअर गेंद और शॉर्ट गेंद थी उसको उठाकर खेला है गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए बैक टू बैक दो गेंदों के ऊपर दो सिक्स लगा चुके हैं नबील अच्छे शुरुआत अपने बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए दिलाते हुए मीरपुरी एजेके टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे नबील छह रनों की मदद से टीम का स्कोर तेरह रन कोई विकेट नहीं एट्टी एट रनों का टारगेट का पीछा कर रही मीरपुर एजे की टीम अब राइट एम राउंड द विकेट शाहिद गेंदबाजी करेंगे नबील के लिए उनकी ये गेंद एक बार उठाकर खेलना चाहते थे बैट का निचला हिस्सा लेकर इनसाइड एज लेकर गेंद जाकर पैरों पर लगी काफी तेज स्ट्रोक खेला था लेकिन इनसाइड एज लगा अच्छी वापसी अपने गेंदबाजी में करते हुए दो गेंदों पर दो सिक्स लगाए थे बल्लेबाज नबील ने उसके बाद एक डॉट गेंद करते हुए कर्नल शाहिदेरा रन कोई थर्टी थ्री बॉल से विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं उनकी गेंद स्लोर गेंद टपाने के नीचे रहते हुए बीट किया गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद अच्छी वापसी अपने गेंदबाजी में करते हुए कर्नल शाहिद दो सिक्स लगाने के बाद दो डॉट गेंद की है नबील के लिए गेंदबाज कर्नल शाहिद ने शॉर्ट गेंद गेंद को सीधा उठाकर खेल लिया गेंद जाती हुई सीधी डिप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक बल्लेबाज नबील लगाते हुए तीसरा सिक्स लगाया अब इस ओवर में अब तक के इस छह रनों की मदद से टीम का स्कोर उन्नीस रन रजा रजा लास्ट बॉल करेंगे अपने इस ओवर की कर्नल शाहिद सामना करेंगे नबील खराब गेंद साइड से बाहर जाते हुए अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में एक रन मिलेगी और दोबारा करनी होगी इस गेंद को कर्नल शाहिद को तो देखना है जो वाइट किया और कितना नुकसानदेह साबित होता है टीम रावला कोट, एजे के टीम को अब तक के बीस रन हुए हैं लास्ट बॉल करेंगे इस ओवर की शाहिद नबील के लिए बार गेंद बॉडी पर लगकर विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई डॉट गेन एंड ऑफ वन ओवर्स मीरपुर ए जे के टीम स्कोर ट्वेंटी नो लॉस टीम की ओर से दूसरी और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर नदीम अहमद अब गेंदबाजी करेंगे पहली मरतबा सामना करेंगे इस मैच में साजिद मुनीर स्ट्राइक पर पहली ओवर पूरी फेस की थी नबील ने छह गेंदों में अट्ठारह रन बनाए और दो एक्स्ट्रा दिए थे गेंदबाज गेंदबाज ने एक ओवर के बाद टीम का स्कोर बीस रन शाहिद ने पहला ओवर किया था अब दूसरा ओवर नदीम अहमद आए हैं गेंदबाजी करेंगे साजिद मुनीर को उनकी ये गेंद खराब गेंद लेग साइड से काफी बाहर जाते हुए अंपायर का इशारा नो का आता हुआ क्योंकि लेग साइड में ज्यादा फील्डिंग सेट की है नो बॉल और आने वाली गेंद फ्री हिट होगी छह फील्डर सेट किए थे लेग साइड पे और वहां पर नदीम अहमद ने जिसकी वजह से ये फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन होता है नो गेंद करार दी है अंपायर ने और तो देखना है आने वाली गेंद फ्री हिट होगी तो उसका कितना फ़ायदा उठाते हैं बल्लेबाज साजिद मुनीर और कर लेन की गेंद थी उसे खेल दिया गेंद जाती हुई पॉइंट की जानीब वहाँ पर फील्डर काफ़ी दूर थे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ वहां पर टीम रावलाकोट एजे की टीम को एक ही रन मिलेगा फ्री हिट का ज्यादा फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज साजिद मुनीर टीम का स्कोर इस सिंगल की मदद से ट्वेंटी टू रन नबील अब सामना करेंगे नदीम अहमद के इस ओवर में पहली मर्तबा पहले ओवर में छः गेंदों में अट्ठारह रन बनाए थे नबील ने तो देखना है नदीम अहमद के इस ओवर में कितने रन बनाते हैं अपने टीम के लिए स्ट्राइक इन पर पहली मरतबा सामना करेंगे पांच गेंदे भी अभी भी इस ओवर की बाकी है दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज नदीम अहमद बैट का खेल खेलना चाहते थे लेग साइड में गैर निचला हिस्सा लेकर गेंद आई थी लॉन्ग ऑफ की जानी वहां पर गेंद को फील्ड करते काफ़ी देर तक गेंद हवा में थी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ वहां पर गेंद सीधे फील्डर्स के हाथों में नहीं गई वहां पर कुछ किस्मत बल्लेबाज नबील टीम का स्कोर इस सिंगल की मदद से ट्वेंटी थ्री नदीम अहमद अपने ईश्वर की नेक्स्ट बॉल करेंगे सामना करेंगे साजिद मुनीर स्ट्राइक एंड पर यार कर लें की गेंद पैर पर लगकर गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की जानी अंपार का लेग बाइस का इशारा एक्स्ट्रा के रूप में एक रन मिलेगी टीम मीरपुर एजे की टीम को इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 24 रन अच्छी गेंदबाजी नदीम अहमद अब तक के तीन गेंदों में सिर्फ चार रन दिए पहली गेंद नो की थी उसके बाद दो गेंदों पर दो सिंगल और अब इस गेंद के ऊपर लेग बाइज का आता हुआ अच्छी गेंदबाजी नदीम अहमद अपने इस ओवर की चौथी गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नबील के लिए उनकी गेंद स्लोअर गेंद पूरी तरीके से बीट हुए वहां पर गेंद को खेलना चाहते थे गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में फ़ायदा नहीं उठा सके उस फुल टॉस गेंद का बल्लेबाज नबील अच्छा कम बैक करती हुई टीम रावला कोट एजे के टीम पहली ओवर में ट्वेंटी रन बनाए थे शाहिद के बल्लेबाज नबील ने उसके बाद इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए नदीम चार गेंदों में सिर्फ अब तक के चार रन दे चुके हैं। गेंद उसे उठाकर खेल दिया कोई मौका नहीं एक ह्यूज सिक्स लगाते हुए गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक बल्लेबाज नबील लगाते हुए अपने बल्लेबाजी में इस छह रनों की मदद से मीरपुर एजे की टीम का स्कोर तीस रन कोई विकेट नहीं लास्ट बॉल अपने इस ओवर की नदीम अहमद करेंगे सामना करेंगे उनका बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नबील इस बार जल्दी पिक किया गेंद को खेल दिया है गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक बल्लेबाज नबील लगाते हुए एंड ऑफ टू ओवर्स Mirpur A J K team score 36 no loss 24 balls 54 run 52 run required. थोड़ा जल्दी कीजिएगा टाइम की पाबंदी मर नेम अली हाशमी आई टॉम पांच बोलर टीम की ओर से तीसरी और अपने स्पिल का पहला ओवर लेकर अली हाशमी गेंदबाजी करेंगे राइट हम और दिक्कत सामना करेंगे उनका बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर साजिद मुनीर दस गेंदों में थर्टी वन रन बनाकर खेल रहे नबील नॉन स्ट्राइक एंड पर साजिद स्लोअर गेंद उसे जल्दी पिक किया गेंद को खेल दिया गेंद आती हुई सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक बल्लेबाज साजिद मुनीर लगाते हुए इस सिक्स की मदद से मीरपुर एजे के टीम का स्कोर बयालीस रन कोई विकेट नहीं इस बार गेंद को उठाकर खेल दिया गेंद जाती मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए दो गेंदों पर दो सिक्स लगा चुके 48 अड़तालीस रन मीरपुर एजे के टीम का बाईस गेंदों में चालीस रनों की जरूरत है एटी एट रनों का टारगेट का पीछा कर रही है मीरपुर एजे की टीम अली हजमी की यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया गेंद जाती है फाइनल बाउंड्री की जानी वहां पर फील्डर उसका पीछा करे गेंद को रोक नहीं पाएंगे गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए इस बाउंड्री की मदद से मीरपुर एजे की टीम ने अपने पचास रन मुकम्मल किए हैं फिफ्टी टू ट्वेंटी वन बॉस थर्टी सिक्स रन रिक्वायर्ड इस बार गेंद को और कल इनकी गेंद थी उसे उठाकर खेलना चाहते थे गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं थी गेंद गई गे थी शॉट कवर की जानब पर अच्छी कोशिश की थी गेंद गेंदबाज अली हशमी ने कैच पकड़ने के लिए लगभग उस कैच के करीब पहुंच गए थे लेकिन थोड़ी सी दूर रही उनसे गेंद गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक एक रन हासिल किया इस सिंगल की मदद से मीरपुर ए जे के टीम का स्कोर फिफ्टी कोई विकेट नहीं अब नबील सामना करेंगे अली हाशमी की इस ओवर की नेक्स्ट बॉल का राइट एम राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नबील के लिए अली हाशमी की ये गेंद खराब गेंद लेग साइड से बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में एक रन मिलेगी मीरपुर टीम को सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 54 20 गेंदों में 34 रनों की जरूरत 34 रनों की जरूरत 20 बॉल्स में मीरपुर एजे की टीम को अलीशमी की ये गेंद स्लोअर हेलीकॉप्टर स्टाइल में खेला इस गेंद को एक रन मिलेगा बल्लेबाज नबील को इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 55 नेक्स्ट मैच का टॉस होता हुआ वहां पर फिफ्टी फाइव अपने स्कोर की लास्ट बॉल करेंगे अली हाशमी सामना करेंगे साजिद स्ट्राइक एंड पर गेंद को खेल दिया गेंद जाती हुई मिड विकेट की जानी वहां पर मिस फील्ड होती हुई और गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए एंड ऑफ थ्री ओवर्स मीरपुर एजे के टीम स्कोर 59 लॉस ऑफ कोई विकेट नहीं 18 गेंदों में 29 रनों की जरूरत अपने स्पेल का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर नए गेंदबाज गेंदों में उन्तीस रनों की जरूरत या राइट हम राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे नबील के लिए उनकी ये गेंद गेंद को उठाकर खेल दिया कोई मौका नहीं फील्डर के पास गेंद जाती हुई सीधी पार्किंग में छह रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक बल्लेबाज नबील लगाते हुए टीम का स्कोर इस सिक्स की मदद से 65 रन, 17 गेंदों में 23 रनों की जरूरत 17 बॉस 23 रन रिक्वायर्ड मीरपुर एजे की टीम नबील सामना करेंगे यासिर की इस ओर की दूसरी गेंद का स्लोअर गेंद उसे जल्दी पिक किया गेंद को खेल दिया गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए पर आगे बढ़कर गेंद को खेलना चाहते थे पहले ही देख लिया था गेंदबाज यासिर ने अपने गेंद की रफ्तार को कम किया स्लोअर गेंद की थी बीट करने में कामयाब हुए गेंद जाती हुए विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद टीम का स्कोर 71 रन 15 गेंदों में 17 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए मीरपुर ए टीम को 88 रनों का टारगेट का पीछा कर मीरपुर एजे टीम यार कर की इनकी गेंद थी उसे खेल दिया था गेंद जाती हुई मिड विकेट की जानी वहां पर बेहतरीन कैच लेते हुए फील्डर्स अच्छी इनिंग खेली अपने टीम के लिए नबील ने टीम का स्कोर 71 एक विकेट के नुकसान पर 71 लॉस ऑफ वन विकेट बॉल सेवनटीन रन रिक्वायर्ड चौदह गेंदों में सत्रह रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए सुपर कैच वहां पर कर्नल शाहिद ने नबील का कैच पकड़ा है नए बल्लेबाज आए थे और क्लीन बोल्ड होकर आउट होते हुए गेंदों के ऊपर दो विकेट हासिल किए हैं यासिर ने नबील को कैच आउट किया था और उसके बाद मेरी मलिक जो आए थे बल्लेबाजी के लिए क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटते हुए हैट्रिक बॉल के ऊपर है यासिर तो देखने टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक करते हैं गेंदबाज यासिर इस मैच में लास्ट बॉल करेंगे अपने इस ओवर की गेंदबाज यासिर राइट हम और दो विकेट राइट हैंड बल्लेबाज मुस्तफा मिनहास के लिए तेरह गेंदों में सत्रह रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए मीरपुर एजे की टीम को अच्छी गेंद गेंद को खेलना चाहते थे बैट का इन एज लेकर गेंद जाती है विकेटकीपर के हाथों में कोई रन नहीं डॉट गेंद एंड ऑफ फोर ओवर्स मीरपुर एजे की टीम स्कोर 71 लॉस ऑफ टू विकेट 12 बॉल्स 17 रन रिक्वायर्ड और नदीम अपने स्पेल का दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर बारह गेंदों में सत्रह रनों की जरूरत है साजिद मुनीर स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे नदीम अहमद ने पहले ओवर में पंद्रह रन दिए थे तो देखना इस ओवर में नदीम अहमद किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं बारह गेंदों में सत्रह रनों की ज़रूरत है मीरपुर ए जे की टीम को साजिद मुनीर स्ट्राइक एंड पर नॉन स्ट्राइक एंड पर मुस्तफ़ा मिनाज बल्लेबाजी कर रहे हैं खराब गेंद लेग साइड से बाहर जाते हुए अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ एक्स्ट्रा से शुरुआत की है इस ओवर में गेंदबाज नदीम अहमद ने सोलह रनों की जरूरत है बारह गेंदों में अच्छी बल्लेबाजी नबील ने की थी अपनी टीम के लिए अब साजिद मुनीर भी अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं 8 गेंदों में ट्वेंटी टू रन बनाकर खेल रहे फुल टॉस गेंद थी उसे खेल दिया है गेंद जाती हुई कॉर्नर की जानी एक रन लेने से नहीं रोकेंगे बल्लेबाज साजिद मुनीर को इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर सेवेंटी थ्री लॉस ऑफ टू विकेट कश्मीर कप 2021 टूर्नामेंट का यह दूसरा मैच खेला जा रहा है मीरपुर एजे के और रावलाकोट के पीछे रावलाकोट ने 87 रन बनाए थे अपने छः ओवर में और 87 88 रनों का टारगेट रखा है मीरपुर ए जे की टीम के सामने अभी भी इस मैच को जीतने के लिए मीरपुर ए की टीम को 11 गेंदों में 15 रनों की ज़रूरत है नदीम अहमद की अगेन इस गेंद को खेल दिया गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ की जानब वहाँ पर फील्डर काफ़ी दूर थे गेंद को फील्ड कर कर थ्रो करते तब तक एक ही रन हासिल किया अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन फील्डर लॉन्ग मिड ऑफ की जानब आकर गेंद को फील्ड किया दस गेंदों में चौदह रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए सेवेंटी फोर रन हो चुके हैं साजिद मुनीर अब स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे नदीम अहमद की इस ओवर की तीसरी गेंद का पहली गेंद वाइट की थी दूसरी गेंद पर सिंगल हासिल किया था जो कि लीगल डिलीवरी थी इस ओवर की उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर मुस्तफ़ा मिनाज ने एक रन हासिल किया अब साजिद मुनीर स्ट्राइक एंड पर शॉट गेंद और उसे भेज दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए बल्लेबाज साजिद मुनीर ने इस छह रनों की मदद से मीरपुर एजेके टीम का स्कोर 80 रन दो विकटों के नुकसान पर नौ गेंदों में आठ रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए मीरपुर एजेके टीम को साजिद मुनीर सामना करेंगे नदीम अहमद की स्कोर की नेक्स्ट बॉल का राइट एम्ब और विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं उनकी अगेंद स्लोअर गेंद लाइन और लेंथ से भटकते हुए लेग साइड से बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में एक रन मिलेगी टीम मीरपुर एजे के टीम को इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर एट्टी वन लॉस ऑफ टू विकेट नाइन बॉल सेवन रन रिक्वायर्ड मीरपुर ए जे की टीम नदीम अहमद गेंदबाजी करेंगे साजिद मुनीर को अपने इस ओवर की चौथी गेंद लेकर उनकी ये गेंद यार करलिन की गेंद गेंद पैरों पर लगकर जाते हुए शॉट थर्ड मैन की जानी वहाँ पर गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर्स एक रन मिलेगा इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 82 लॉस ऑफ टू विकेट एट बॉल्स सिक्स रन रिक्वायर्ड आठ गेंदों में छः रनों की जरूरत सिक्स से दूर है एक लंबे हिट से दूर है मीरपुर एजे जे के टीम इस मैच से को जीतने के लिए सिर्फ छह रनों की जरूरत है मुस्तफा स्ट्राइक इन पर सामना करेंगे नदीम अहमद की इस ओवर की पांच गेंद का राइट हम ओवर द विकेट गेंदबाजी करें उनकी ये गेंद नेक्स्ट साइड से बाहर जाती हुई मिसफील हुई वहां पर विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई फाइनल की जानी वहां पर गेंद को फील्ड किया गया अंपायर का इशारा व्हाइट का आता हुआ टोटल दो रन मिलेंगे एक्स्ट्रा के रूप में दो रन मिलेंगे टीम मीरपुर एजे के टीम को इस दो रनों की मदद से टीम का स्कोर 84 लॉस ऑफ टू विकेट इस बार बीट कर दिया गेंद जाती हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में लास्ट बॉल करेंगे इस ओवर की नदीम अहमद सामना करेंगे साजिद मुनीर चार रन दूर है अपने इस जीत से मीरपुर एजे के टीम राइट हम ओवर नदीम अहमद गेंदबाजी करेंगे साजिद मुनीर को उनकी ये गेंद लेफ्ट साइड से बाहर जाते हुए थोड़ी सी वहाँ पर गेंद पैरों पर लगकर गई थी विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद करते हुए एंड ऑफ फाइव ओवर्स मीरपुर एजे टीम स्कोर 84 लॉस ऑफ टू विकेट छः गेंदों में सिर्फ चार रनों की जरूरत

स्लोअर गेंद यासिर की पैरों पर लगी थी डॉट गिन की है पांच गेंदों में चार रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए हर बार गेंद को शॉट गेंद थी उसे खेल लिया गेंद जाती हुई सीधी पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर और इस मैच को जीत लिया है मीरपुर ए की टीम ने आठ विकेट से कॉन्ग्रेचुलेशन मीरपुर ए जे के टीम हार्डलक रावलाकोट ए जे की टीम इस मैच के मैन ऑफ द मैच नबील जिन्होंने पंद्रह गेंदों में फिफ्टीन बॉस में फोर्टी फोर रन बनाए और गेंदबाजी में दो ओवर में बीस रन देकर तीन विकेट हासिल किए जिसकी वजह से उन्हें इस मैच का मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है कॉन्ग्रेचुलेशन नबील